टीम इंडिया को मिली दो बड़ी खुशखबरी। दो दिग्गज खिलाड़ी हुए टीम इंडिया में वापसी के लिए फिट। एशिया कप में ही मैदान में उतरेंगे सभी 11 महारथी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। इस वक्त टीम इंडिया काफी नाजुक हालात से गुजर रही है। टीम इंडिया के कई सारे दिग्गज खिलाड़ी चोट से परेशान हैं। ये सभी खिलाड़ी एनसीए में मौजूद हैं। इनमें दिग्गज खिलाड़ी केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, खुद युजवेंद्र चहल फिटनेस टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। ऋषभ पंत काफ़ी वक्त से एनसीए में मौजूद हैं। जसप्रीत बुमराह चोट की पीठ के चलते अभी भी एनसीए में मौजूद हैं। तो ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो एनसीए में अपनी फिटनेस को लेकर मेहनत कर रहे हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी जो बहुत जल्द टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, वहीं कुछ खिलाड़ियों को थोड़ा और वक्त लगेगा। इस साल टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 खेलना है। ऐसे में टीम इंडिया को अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरना है। अगर बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इंडिया काफ़ी वक्त से ऋषभ पंत को नंबर 5 पर बतौर विकेट कीपर खिला रही थी। केएल राहुल काफ़ी वक्त से टीम इंडिया के साथ परमानेंट प्लेयर हैं। श्रेयस अय्यर ने भी नंबर 4 पर अपनी जगह पक्की कर रखी थी और मैच भी जीता रहे थे। और ऐसे में ये तीन खिलाड़ी चोटिल हैं मेरे बैटिंग की तरफ से। वहीं जसप्रीत बुमराह पर भारतीय गेंदबाजी का आक्रमण घूमता है, उनके बगैर टीम इंडिया की गेंदबाजी काफ़ी कमजोर नजर आती है। ऐसे में इनके चारों खिलाड़ियों को चोटिल होने से टीम इंडिया की जो बेस्ट प्लेइंग 11 बननी है वो बनना तो संभव नहीं है। अब ऐसे में ये खिलाड़ी कब वापसी करेंगे सबकी नज़र इस पर है। पहले मैं आपको उन दो खिलाड़ियों की बात बता दूं जिनकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। नाम आता है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ग्रोथ तो कर रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है, काफ़ी तेज़ हो रही, लेकिन वर्ल्ड कप तक वो बिल्कुल फिट हो पाएंगे ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। रिकवरी के बाद मैदान में उतरना है, मैदान में उतरने के बाद अपनी लय हासिल करनी है। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया उनके ऑप्शन भी तलाशने लगी है। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को मिडिल ऑर्डर पर ट्राई करना शुरू कर चुकी है टीम इंडिया। फिर नाम आता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर पीठ की सर्जरी करा चुके हैं। सर्जरी के बाद से लगातार श्रेयस अय्यर रिहैब कर रहे हैं, अपनी फिटनेस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस ऋषभ पंत की तुलना में काफी धीमे हो रही है। जी हाँ, वो उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो है, इस वजह से भी टीम इंडिया चिंतित है। बात अगर करें केएल राहुल की तो केएल राहुल खुद अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं और उनकी रिकवरी भी काफी तेजी से हो रही है। और उम्मीद की जा रही है कि केएल राहुल एशिया कप 2023 में टीम इंडिया के लिए वापसी कर सकते हैं। फिर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। सबके सवाल यही है कि जसप्रीत बुमराह कब वापसी करेंगे। तो आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह के बारे में बताया जा रहा है कि आयरलैंड सीरीज से वापसी कर सकते हैं। आयरलैंड सीरीज खेली जाएगी जब वेस्ट इंडीज के दौरा अगस्त में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद टीम इंडिया 3 T20 मैच खेलने आयरलैंड जाएगी। आयरलैंड से टीम इंडिया के लिए वापसी कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह, ये तमाम खबरें हैं। लेकिन एक वरिष्ठ BCCI अधिकारी ने बताया कि जसप्रीत बुमराह अगर आयरलैंड तक फिट होते हैं तो ठीक है, लेकिन उन पर जल्दबाजी नहीं की जाएगी। जसप्रीत बुमराह को सीधे एशिया कप पर ही टीम के साथ जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये वो चारों खिलाड़ी हैं जिनकी फिटनेस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। फिलहाल इनकी वापसी में दो खिलाड़ी हैं जो बहुत जल्द वापसी कर सकते हैं, उनका नाम है केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह। वहीं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की वापसी में थोड़ा और भी वक्त लग सकता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीतेगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।